फ्रेंड्स, बॉलीवुड में ऐसी बहुत सी एक्ट्रेसेस हैं जिनके सक्सेस के पीछे दबंग खान यानी कि सलमान खान का हाथ है, या फिर यूं कहें कि उन एक्ट्रेसेस को सलमान खान की वजह से एक पहचान मिली है। तो चलिए आपको बताते हैं किन एक्ट्रेसेस को बॉलीवुड में सलमान खान ने डेब्यू कराया। भूमिका चावला, जो 2003 में आई फिल्म तेरे नाम में बतौर हीरोइन काम किया था। कैटरीना कैफ का करियर बढ़ाने में भी सल्लूमिया का अहम रोल है। मैंने प्यार क्यों किया, जो 2005 में आई थी, जिससे कैट को एक पहचान मिली। स्नेहा उल्लाल, जिन्हें सलमान ने अपनी फिल्म लकी नो टाइम फॉर लव में मौका दिया, जो 2005 में आई थी। जरीन खान 2010 में आई फिल्म वीर में नजर आई। महान अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा फिल्म दबंग में आई, जो 2010 में रिलीज हुई थी। डिजी शाह की पहली फिल्म जय हो 2014 में सलमान खान के साथ शुरुआत की। यह सना की भी पहली फिल्म थी। इससे पहले सना बिग बॉस में भी नजर आ चुकी हैं। वहीं सना सल्लू भाईजान की अच्छी दोस्त भी मानी जाती हैं। आतिया सेट्टी फिल्म हीरो 2015 में नजर आई थी। ये बॉलीवुड की अन्ना यानी सुनील शेट्टी की बेटी हैं। अर्जुन कपूर की पहली फिल्म इश्कजादे थी। अगर बात अर्जुन कपूर की आती है तो आपको बता दें कि अर्जुन कपूर बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में आने से पहले काफी मोटे हुआ करते थे और उनको फिट करने का श्रेय सलमान को ही जाता है। सूरज पंचोली को फिल्म हीरो में सलमान खान ने ही लॉन्च किया था। वैसे आपको बता दें, सूरज पंचोली आदित्य पंचोली के बेटे हैं। तो ये थी वो एक्ट्रेसेस जिन्हें सलमान खान के कारण बॉलीवुड में वजूद मिला। लेकिन बॉलीवुड में कुछ चुनिंदा एक्टर्स भी हैं जिनको सलमान खान ने बॉलीवुड में बतौर हीरो लॉन्च किया।